आज की शाम उस बंदे की याद दिलाती है जो हमारी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स का बहुत बड़ा पिलर था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और उसकी वाइफ ने उसकी याद में ये अवार्ड अलाइव रखा है। और आई एम शुक्रगुजार हूँ मैं कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस शो के, जिन्होंने इस अवार्ड को देने का जो सिलसिला जारी रखा है, वो जिसकी याद में ये अवार्ड है, वो हमारा बहुत कीमती डायरेक्टर था गैरी करके। ये अवार्ड उस डायरेक्टर को दिया जाता है जिसका काम अप्रिशिएट होता है और गैरी के नाम पे देते हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस अवार्ड को देने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे सुनने में आया कि 24 ऑलरेडी won 5 awards. So I'm very happy. It's won the best director and I think best art direction, best photography. I was shooting, मैं अलीबाग में शूटिंग कर रहा था, इसलिए मैं लेट हो गया एंड I was just driven down especially for this award. So I heard it's a very respected award. So I'm very very happy and very honored that we all have been nominated for this award. See, I think it's awards जो होते हैं वो definitely मायने तो रखते हैं, ये तो अवार्ड्स होते ही नहीं, सही बात है कि नहीं? सही बात, और अवार्ड चलते ही नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं मायने रखते हैं वो शायद झूठ बोल रहे हैं। सर ये मुझे दिल की बात बोलूं, अवार्ड किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा मुझे मालूम नहीं, बट आई विश द बेस्ट विंस एंड टेली अवार्ड्स आई थिंक इट्स द 13th ईयर। और अभी तो टेलीविजन में बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि सारे बॉलीवुड के एक्टर्स भी टेलीविजन में आ रहे हैं। सो टेलीविजन इज टुमारोज थिंग हैपनिंग इन दिस कंट्री। शक्ति भाई ने बताया एग्जैक्टली टीवी इज ह्यूज और सारे लोग अब यहाँ से जुड़ चुके हैं। बहुत बड़ा बिग बॉस से मुझे भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द विनर्स जो भी रिजर्व। अच्छा एक्चुअली बिग बॉस में मैं भी था, तो हम दोनों शरीफ आदमी बिग बॉस से आए। जो जिन लोगों को अवार्ड मिलेगा जो विनर है तो वही लोग कमाल करेंगे। अभी तो खैर ऐसा प्लान नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ अच्छा कुछ रहेगा तो डेफिनेटली प्लान करूँगा। अभी तो फिलहाल तो ऐसा कुछ प्लान नहीं। अवार्ड एक बूस्ट करता है एक्टर को उसके काम के लिए, अगर उसको नोटिस किया जाए तो डेफिनेटली उसको नेक्स्ट ईयर के लिए अगले साल के लिए एक एनर्जी मिलती है। वो मैंने ज़ारा उमरीगर का ड्रेस पहना हुआ है एंड आई एम लविंग इट। इंडियन टेली अवार्ड्स में फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इट्स जस्ट लाइक एन अवार्ड फंक्शन, सो आई एम लुकिंग आउट टू हैव अ गुड एंटरटेनिंग नाइट। नहीं एक्चुअली डेजी यहाँ पे खुद एंटरटेन होने आई है। अभी फर्स्ट अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रही हूँ मैं कलर्स का, तो ऑफ कोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंसेस एंड गुड कॉमेडी एंड अ ग्रेट इवनिंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द ऑडियंस। एक्चुअली ये जो मैंने अभी पहना है दिस इज रेडीमेड साड़ी, इट इज़ रोहित वर्मा कलेक्शन। सो आई थॉट आई हैव ऑलवेज वोन गाउन्स एंड वेस्टर्न ड्रेसेस, सो आई शुड ट्राई समथिंग इंडियन एंड आई गेस दैट इज द रीजन आई चूज दिस। आई थिंक इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स है और टेलीविजन इंडस्ट्री को इंडिया में बहुत हमें सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज टेलीविजन में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारी प्रतिभा है। सो आई थिंक आई एम ऑल हियर टू सपोर्ट ऑल द टेलीविजन स्टार्स एंड आई होप दिस अवार्ड कंटिन्यूज फॉर मेनी मेनी ईयर्स एंड कंटिन्यू टू सेलिब्रेट ऑल द टैलेंट वी हैव प्रेजेंट इन आवर इंडस्ट्री। सी दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है कि बना शो फॉर कलर्स एंड शो बहुत लोगों को पसंद आया एंड आई एम हियर बिकॉज आई एम थैंकफुल टू देम, दे गेव मी सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा शो था। सो आई एम हियर टू सपोर्ट देम। यू फील गुड मोर देन एनीथिंग एल्स, आप मेहनत करते हैं आपको मज़ा आता है, लोग मिलते हैं, अवार्ड मिलता है, तो ऑब्वियसली यू फील गुड।